नमस्कार दोस्तों, आज हम PDF देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय नेक्स्ट एग्जाम के द्वारा। तो ये हमारा करंट अफेयर है आज का। आज है 31 अक्टूबर। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहायता दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को ये मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ने किस देश की कंपनी ने सफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। जर्मनी, जापान, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, तो ये रहेगा फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में समझौता किया है। और किस क्षेत्र में? तो फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। और भारत फ्रांस के मार्सिले ने एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत वहाँ पे एक नया महिलाओं के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ब्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है फ्रांस में ही। और फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और टाटा संघ के चेयरमैन एवं चंद्रशेखर फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। फ्रांस ने 9 साल बाद माली में सैन्य वापसी घोषणा की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारा, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो ये मंगोलिया ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया। हाल ही में पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जमदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो ये इटली में जमदर में रिकॉर्ड, जो जमदर है उसमें रिकॉर्ड कम हुई है, जमदर की न्यूनतम हुई है वहाँ की, इटली की। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल होता है वो इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियाँ इटली में खोजी गई थी। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इटली में शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी खोज की। हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड, 6वां क्वेश्चन, हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा कौन? दुबई करेगा। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये थे पीयूष गोयल साहब। तो सी ऑप्शन सही है, पीयूष गोयल। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, तो इसमें रहेगा भारत। भारत हाल ही में देश गिनी खाड़ी में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। भारत को, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को लगातार 3री बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी। 3000 छक्के। भारत में 8वीं बार एशियाई कप खिताब जीती। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया? तो कपूरथला को, ये कपूरथला। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे अपने TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया? तो सारंग देव को। अब इसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक MD CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। अशोक वासवानी, याद कर लेना, कोटक महिंद्रा में। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन वार्डन बने हैं, ये भी हमारा हो गया।
राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है और HUDCU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। आदिम बागाची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर में। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो USA शीर्ष पर रहा। अब यूएसए संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित देख लेते हैं इससे सारे क्वेश्चन। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड यानी अमेरिका में किया गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरीलैंड अमेरिका का एक स्थान है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अमेरिका में आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म का दिवस मनाया जाएगा। ये जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंद विरासत माह घोषित किया। जॉर्जिया ने देख सकते हैं हिंदुस्तान के प्रति कितनी भावनाएं लोगों की उमड़ रही हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत में साइलेंट कन्वर्सेशंस सेशन फ्रॉम मर्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं गिरिराज सिंह। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा हौचोंगबा कहाँ मनाया गया है? तो इसमें असमपुर है, मणिपुर है, नागालैंड है और इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए।